बायोग्राफी ऑफ श्याम जी क्रिंस वर्मा। तो बायोग्राफी कवर करने से पहले नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं 2021, नए गोल बनाइए और उसे अचीव कीजिए लगन और मेहनत के साथ। तो चलिए श्याम जी क्रिंस वर्मा का हम बायोग्राफी कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेट ऑफ बर्थ, 4 अक्टूबर 1857 मांडवी, जो कच्छ गुजरात में पड़ता है। इसके बाद हम स्वर्गवास की अगर बात करें तो 30 मार्च 1930 ईस्वी में जेनेवा, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अब हम श्याम जी क्रिंस वर्मा के कार्य के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, यह अपने जीवन काल में क्या क्या काम किए। अगर हम श्याम जी क्रिंस वर्मा जी के कार्य के बारे में कुछ बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के स्थापक रहे। श्याम जी क्रिंस वर्मा एक भारतीय क्रांतिकारी, वकील और पत्रकार थे। वो भारत माता के उन वीर सपूतों में से एक है जिन्होंने अपना सारा जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। इंग्लैंड से पढ़ाई कर उन्होंने भारत आकर कुछ समय के लिए वकालत की और कुछ फिर राजघरानों में दीवान के तौर पर कार्य किया, पर ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों से त्रस्त होकर वो भारत से इंग्लैंड चले गए। वह संस्कृत समेत कई और भारतीय भाषाओं के ज्ञाता थे। उनके संस्कृत के भाषण से प्रभावित होकर मोनियर विलियम्स ने वर्मा जी को ऑक्सफोर्ड में अपना सहायक बनने के लिए निमंत्रण दिया था। उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना लंदन में की थी। इन संस्थाओं का उद्देश्य था कि वह रहे भारतीयों को देश की आज़ादी के बारे में अवगत कराना और छात्रों के मध्य परस्पर मिलन एवं विविध विचार विमर्श। श्याम जी ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड से MA और बार एट लॉ की उपाधि मिली थी। अब हम श्याम जी क्रिंस वर्मा के प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बात करेंगे। तो श्याम जी क्रिंस वर्मा की प्रारंभिक जीवन के बारे में देखें। श्याम जी क्रिंस वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के मांडवी कस्बे में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री क्रिंस वर्मा और माता का नाम गोमती बाई था। जब बालक श्याम जी मात्र 11 साल के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया, जिसके बाद उनका लालन पालन उनकी दीदी ने किया। प्रारंभिक शिक्षा भुज में ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपना दाखिल मुंबई के विल्सन हाई स्कूल में करा लिया। मुंबई में रहकर उन्होंने संस्कृत की शिक्षा भी ली। सन 1875 ईस्वी में उनका विवाह भानुमती से करा दिया गया। भानुमती श्याम जी के दोस्त की बहन और भाटिया समुदाय की एक धनी व्यवसायी की पुत्री थी। इसके पश्चात उनकी मुलाकात स्वामी दयानंद सरस्वती से हुई, जो एक समाज सुधारक, वेदों के ज्ञाता और आर्य समाज के स्थापक थे। श्याम जी शीघ्र ही उनके शिष्य बन गए और वैदिक दर्शन और धर्म पर भाषण देने लगे। सन 1877 ईस्वी के दौरान उन्होंने घूम घूम कर देश में कई जगहों पर भाषण दिया। इसके स्वरूप उनकी विख्याति चारों ओर फैल गई। मोनी एयर विलियम्स, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर थे, श्याम जी के संस्कृत ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड में अपने सहायक के तौर पर कार्य करने का न्योता दे दिया। श्याम जी इंग्लैंड पहुंच गए और मोनियर विलियम्स के अनुशंसा पर उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बल्ले ओल्ड कॉलेज में 25 अप्रैल 1879 ईस्वी को दाखिल मिल गया। उन्हें BA की परीक्षा सन 1883 ईस्वी में पास कर ली और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में एक भाषण प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक था भारत में लेखन का उदय। उनके भाषण को सराहना मिली और इन्हें रॉयल सोसाइटी की अनिवासी सदस्यता मिल गई। अब हम बात करेंगे श्याम जी क्रिंस वर्मा, जो कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके थे, और उसके बाद जब वह भारत वापस आए तो हम देखेंगे कि वह भारत के लिए अपना क्या योग्य प्रदान किए या भारत में आके वह क्या क्या किए। तो बने रहिए हमारे साथ। श्याम जी क्रिंस वर्मा की भारत वापसी।
बीए की पढ़ाई के बाद श्याम जी किरण शर्मा सन 1885 ईस्वी में भारत लौट आए और वकालत करने लगे। इसके पश्चात रतलाम के राजा ने उन्हें अपने राज्य का दीवान नियुक्त कर दिया, पर खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा। मुंबई में कुछ वक्त बिताने के बाद वो अजमेर में बस गए और अजमेर के ब्रिटिश कोर्ट में अपनी वकालत जारी रखी। इसके बाद उन्होंने उदयपुर के राजा के यहाँ सन 1893 से लेकर 1895 तक कार्य किया और फिर जूनागढ़ राज्य में भी दीवान के तौर पर कार्य किया, लेकिन सन 1897 में एक ब्रिटिश अधिकार से विवाद के बाद ब्रिटिश राज से उसका विश्वास उठ गया और उन्हें दीवान की नौकरी छोड़ दी और श्याम जी किरण शर्मा ने अपने राष्ट्रवाद के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिए। राष्ट्रीयवाद, श्याम जी किरण शर्मा राष्ट्रीयवाद में वह अपने क्या क्या योगदान दिए, तो इसके बारे में हम कुछ जानने की प्रयास करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का साहित्य पढ़ने के बाद श्याम जी किरण शर्मा उनके राष्ट्रीय और दर्शन से प्रभावित होकर पहले ही उनके अनुयायी बन चुके थे। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से ही उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जिससे मैडम कामा, वीर सवारकर, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, एस आर राणा, लाला हरदयाल, मदन लाल डिंगरा और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जुड़ी हुई थी। श्याम जी लोकमान्य गंगाधर तिलक के भी बहुत बड़े प्रशंसक और समर्थक थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी की अंग्रेजों की प्रतिनीति अशोभनीय और शर्मनाक प्रतीत होती थी। उन्होंने चापेकर बंधुओं के हाथ पूना के प्लेग कमिश्नर की हत्या का भी समर्थन किया और भारत की स्वाधीनता की लड़ाई को जारी रखने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। उनका मानना था कि असहयोग के द्वारा अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाई जा सकती है। वो कहते हैं कि यदि भारतीय अंग्रेजों को सहयोग देना बंद कर दे तो अंग्रेजी शासन बहुत जल्द धाराशाही हो सकता है। इंग्लैंड पहुंचने के बाद उन्होंने सन 1900 में लंदन के हाई गेट क्षेत्र में एक अलीशान घर खरीदा जो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना। स्वाधीनता आंदोलन के प्रयासों को सबल बनाने के लिए उन्होंने जनवरी 1905 से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक मासिक पत्र निकालना आरंभ किया और 18 फरवरी 1905 को इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी का उद्देश्य था भारतीयों के लिए, भारतीयों के द्वारा भारतीयों की सरकार स्थापित करना। इस घोषणा के क्रियान्वयन के लिए उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की, जो भारत की स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड में भारत राजनीतिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र रहा। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल किरण गोखले, गांधी और लेलेन जैसी नेता इंग्लैंड प्रवास के दौरान इंडिया हाउस जाते रहते थे। श्याम जी किरण शर्मा के राष्ट्रवादी लेखों और सक्रियता ने ब्रिटिश सरकार को चौकन्ना कर दिया। इन्हें इनर टेंपल से निषिद्ध कर दिया गया और इनकी सदस्यता भी 30 अप्रैल 1909 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश प्रेस भी इनके खिलाफ हो गए थे और इनके खिलाफ तरह तरह के इल्जाम लगाए, पर उन्होंने हर बात का जवाब बहादुरी से दिया। ब्रिटिश खुफिया तंत्र उनकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी हुई थी, इसलिए उन्होंने पेरिस को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाना उचित समझा और वीर सवारकर को इंडिया हाउस की जिम्मेदारी सौंपकर गुप्त रूप से पेरिस निकल गए। पेरिस पहुंचकर उन्होंने अपनी गतिविधियों फिर शुरू कर दी, जिसके स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने फ्रांसीसी सरकार पर उनके प्रत्यर्पण का दबाव डाला, पर असफल रहे। पेरिस में रहकर श्याम जी कई फ्रांसीसी नेताओं को अपने विचार समझाने में सफल रहे। सन 1914 ईस्वी में वो जनेवा चले गए, जहां से अपनी गतिविधियों का संचालन किया। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि श्याम जी किरण शर्मा का स्वर्गवास के बारे में।
अगर हम श्याम जी किरण वर्मा के निधन के बारे में कुछ जानने का प्रयास करें तो सन 1920 ईस्वी के दशक में श्याम जी किरण वर्मा का स्वास्थ्य प्रायः खराब ही रहा। उन्होंने जनेवा में भी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन जारी रखा, पर खराब स्वास्थ्य के कारण सितंबर 1922 ईस्वी के बाद कोई अंग प्रकाशित नहीं कर पाए। उनका निधन जिनेवा के एक अस्पताल में 30 मार्च 1930 ईस्वी को हो गया। ब्रिटिश सरकार ने उनकी मौत की खबर को भारत में दबाने की कोशिश की। आज़ादी के लगभग 55 साल बाद 22 अगस्त 2003 को श्याम जी और उनकी पत्नी की अस्थियों को जिनेवा से भारत लाया गया और फिर उनके जन्म स्थान मांडवी ले जाया गया। उनके सम्मान में सन 2010 में मांडवी के पास क्रांति तीर्थ नाम से एक स्मारक बनाया गया। भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया और कच्छ विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रख दिया गया। तो श्याम जी किरण वर्मा का बायोग्राफी के बारे में कुछ हम जानने। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम फिर अगले बायोग्राफी कवर करेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।